अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के तत्वावधान में आयोजित लोक कल्याण जन संघर्ष अभियान के तहत मंगलवार को प्रेस क्लब सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संशोधित SC/ST एक्ट को समाप्त करने, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को आरक्षण का लाभ देने सहित आरक्षण प्रक्रिया पर समीक्षा की गई। सम्मेलन के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा, देश में एक समण समाज का वो परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग उनमें भी युवा से ज्यादा संघर्ष करते हैं। अब मैं इनका संचालक, हमें अवधेश सिंह कहते हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का संस्थापक सदस्य हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। SC/ST एक्ट जो अभी संशोधित हुआ है वो खत्म होना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, फिर से सरकार ने लागू कर दिया, उसे खत्म होना चाहिए। जातिगत आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए, और अगर आरक्षण की जरूरत है तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। सवर्णों को भी मिलनी चाहिए, बैकवर्डों को भी मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी को भी चाहिए, दलितों को भी मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेके जो अभी ST/ST एक्ट भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को परिवर्तित करके नया अध्यादेश ला के FIR पर तुरंत गिरफ्तारी जैसी व्यवस्था की है, उसके विरोध में हम लोग अनवरत अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद विभिन्न संगठनों को साथ लेके, सर्व समाज के लोगों को साथ लेके संघर्षरत है। अभी लखनऊ में महीनों हम लोगों का धरना चला और अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण बैनर के तले ये 20 तारीख से लखनऊ से चेता यात्रा शुरू हुई है। लखनऊ से रायबरेली, रायबरेली से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से अमेठी, अमेठी से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से फैजाबाद, फैजाबाद से बस्ती, संत कबीर नगर होती हुई गोरखपुर में पहुंची है। ये प्रथम चरण की यात्रा आज यहाँ आप लोगों से बात करने के बाद, प्रेस से बात करने के बाद, साथियों से बात करने के बाद चौरी चौरा पहुंचेगी और प्रथम चरण की यात्रा चौरी चौरा में शहीदों को नमन करने के बाद ये समाप्त होगी। इसलिए संघर्ष हमारा अनवरत है।